नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्सोकेम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, अर्सोकेम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और अर्सोकेम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि अर्सोकेम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अर्सोकेम टैबलेट का उपयोग गॉल ब्लैडर की पथरी यानी पित्त की थैली में पथरी होने पर और लिवर की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। अर्सोकेम टैबलेट गॉल ब्लैडर में पथरी बनने से रोकती है और कोलेस्ट्रॉल से बनी गॉल ब्लैडर की पथरी को खत्म करने में मदद करती है। अर्सोकेम टैबलेट केवल कोलेस्ट्रॉल से बनी गॉल ब्लैडर की पथरी को खत्म करती है। अगर किसी व्यक्ति की गॉल ब्लैडर की पथरी बिलिरुबिन से बनी है तो अर्सोकेम टैबलेट बिलिरुबिन से बनी गॉल ब्लैडर की पथरी को खत्म नहीं करती है, लेकिन 80% व्यक्तियों में गॉल ब्लैडर की पथरी कोलेस्ट्रॉल से ही बनी होती है। जो व्यक्ति गॉल ब्लैडर में पथरी होने पर सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं या जिन व्यक्तियों की सर्जरी नहीं हो सकती है, उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर गॉल ब्लैडर में पथरी को बनने से रोकने के लिए और गॉल ब्लैडर की पथरी को खत्म करने के लिए अर्सोकेम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा लिवर की बीमारियां जैसे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होने पर भी डॉक्टर अर्सोकेम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। अर्सोकेम टैबलेट लिवर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर की कार्यप्रणाली को अच्छा बनाती है। अर्सोकेम एक ब्रांड नेम है। अर्सोकेम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन अर्सोडीऑक्सिकॉलिक एसिड होता है। अर्सोकेम टैबलेट 150 mg व 300 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में अर्सोकेम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में अर्सोकेम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त होना, कब्ज होना, सिरदर्द होना, पेट में दर्द होना, हेयर लॉस होना, चक्कर आना, बदहजमी, त्वचा पर रैशेस, त्वचा पर खुजली, कमर में दर्द होना, जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द होना, गले में खराश होना, जुकाम या बुखार होना आदि साइड इफेक्ट्स अर्सोकेम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अर्सोकेम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। अर्सोकेम टैबलेट को खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद लेना रिकमेंडेड होता है। कोलेस्ट्रॉल से बनी गॉल ब्लैडर की पथरी को खत्म करने के लिए डॉक्टर अर्सोकेम टैबलेट को शरीर के वजन के हिसाब से 6 mg से लेकर 12 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से डोज को दो समान भागों में डिवाइड करके या रात के समय एक डोज में भी लेने की सलाह दे सकते हैं। और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होने पर डॉक्टर अर्सोकेम टैबलेट को शरीर के वजन के हिसाब से 10 mg से लेकर 15 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से डोज को 2 से लेकर 4 समान भागों में डिवाइड करके लेने की सलाह देते हैं। गॉल ब्लैडर की पथरी को खत्म करने के लिए डॉक्टर अर्सोकेम टैबलेट को लंबे समय तक लेने की सलाह दे सकते हैं और आपको लगातार 2 साल तक भी अर्सोकेम टैबलेट को लेना पड़ सकता है। अर्सोकेम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको अर्सोकेम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि अर्सोकेम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पेट में अल्सर होने पर, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन यानी गॉल ब्लैडर में सूजन होने पर अर्सोकेम टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना अर्सोकेम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अर्सोकेम टैबलेट की वजह से दस्त होना एक सामान्य साइड इफेक्ट है। अगर किसी व्यक्ति को अर्सोकेम टैबलेट को लेने के बाद दस्त होने की समस्या होती है तो आपका डॉक्टर अर्सोकेम टैबलेट की डोज को कम कर सकता है, और यदि किसी व्यक्ति को अर्सोकेम टैबलेट की डोज को कम करने के बाद भी दस्त की समस्या बनी रहती है तो आपका डॉक्टर अर्सोकेम टैबलेट को बंद भी कर सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए अर्सोकेम टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं व स्तनपान करा रही महिलाओं को अर्सोकेम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति को अर्सोकेम टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को अर्सोकेम टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका अर्सोकेम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।